एग्जाम्पल नंबर वन, मेरी अपने क्रिसमस वृक्ष को सजाना चाहती है, वह इस वृक्ष को लकड़ी के एक घनाकार बॉक्स पर रखना चाहती है जिसे सांता क्लॉज के चित्र के साथ एक रंगीन कागज से ढका जाना है। उसका यह जानना आवश्यक है कि उसे कितना कागज खरीदना चाहिए। यदि उपलब्ध बॉक्स की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 80 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर है तो उसे 40 सेंटीमीटर भुजा वाले कागज की कितनी वर्गाकार सीटों की आवश्यकता होगी। देखो सुनो, देखो आज दिन भी अच्छा है, देखो आज है ना क्रिसमस, तो क्रिसमस वाला दे दिया है क्वेश्चन। क्या कह रहा है, देखो एग्जाम्पल नंबर वन, मेरी नाम की एक लड़की है, ठीक है, वो क्रिसमस ट्री को सजाना चाहती है, किसमें, बॉक्स के अंदर में, एक नवाकार बॉक्स है, देखो इस तरह ऐसा है, बक्सा के अंदर ऊपर में वो उसको रखना चाहती है। तो इसका आपको लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दिया हुआ है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, देखो इसका लंबाई, लंबाई दिया हुआ 80 सेंटीमीटर और आपका चौड़ाई है 40 सेंटीमीटर और ऊंचाई है 20 सेंटीमीटर। इसको सजाने के लिए चारों तरफ से कवर करने के लिए उसको रंगीन कागज की जरूरत पड़ेगा, कागज जो कागज इस तरह होता है ना, ये वर्गाकार कागज है, मतलब वो बोल रहा है कि इसमें कितना लोग कागज खरीदेगी, इसका लंबाई चौड़ाई दिया हुआ है, ये वर्गाकार है, सबका 40 सेंटीमीटर का है, ठीक है। देखो मतलब आपको जैसे ये आपको ये बॉक्स है, देखो बॉक्स है क्या है, लंबाई आपको दिया हुआ है, चौड़ाई दिया और ऊंचाई दिया, इसका आपको निकालना संपूर्ण क्षेत्रफल, ठीक है। अब देखो यहाँ क्या करेंगे, पहले बॉक्स का टीएसए निकालेंगे, क्या निकालेंगे, टीएसए, ये क्या होता है, 2 LB प्लस BHHL, ठीक है, 2 L कितना है 80, B 40, H 20, फिर H 20 L हो गया 80, 2 जरा गुणा कर देंगे 3200, गुणा करेंगे कितना 800, 1600। अब सबको जोड़ लेना है हम लोग, देखो 2000 है, 00 होगा, 2 और 8 10 6 16, अब मेरा 1 1 और 3 4 4 5, ठीक है। अब इसको पूरा करें, 00 इधर 6 9 12, 1 10 11, ये हो गया आपका इस बॉक्स का संपूर्ण निकल गया कितना 11200 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम इस कागज जो है, ये कागज का क्षेत्रफल निकालते हैं, एक कागज का क्षेत्रफल क्या होगा, वर्गाकार है मतलब भुजा स्क्वायर, ये 40 है, 40 का होल स्क्वायर, तो 1600 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गई, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर क्या करेंगे, आपको क्या कागजों की संख्या, कितना कागज लगेगा, सिर्फ बोल रहा है कागज की संख्या बराबर जो आया है क्षेत्रफल, देखो 11200 सेंटीमीटर स्क्वायर बटा 1600 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये और ये कटा 2020 कटा, अब 2 से काटेंगे 56, देखो 8 × 8 = 56, मतलब आपको लगेगा 700 कागज रहेगा, कितना कागज रहेगा, 7 कागज चाहिए, तो ये पूरा कवर हो जाएगा आपका। एग्जाम्पल नंबर 2, हामिद ने अपने घर के लिए ढक्कन वाली एक घनाकार पानी की टंकी बनवाई है जिसका प्रत्येक बाहरी किनारा 1.5 मीटर लंबा है, वो इस टंकी के बाहरी पृष्ठ पर तली को छोड़ते हुए 25 सेंटीमीटर भुजा वाली वर्गाकार टाइलें लगवाता है, यदि टाइलों की लागत 60 रुपये प्रति दर्जन है तो उसे टाइल लगवाने में कितना व्यय करना पड़ेगा। देखो सुनो क्वेश्चन, एग्जाम्पल नंबर 2, ये जो है ये का
देखो यहाँ पर आपको इस तरह का टंकी बनाना, उसको घनाकार है टंकी, ठीक है, ऊपर भी छोड़ दिया गया है, ठीक है, क्योंकि ऊपर में तो मैंने ऊपर ढक्कन है, टाइल लगाया चारों तरफ टाइल लगाएगा ना जी, टाइल चारों तरफ लगने चारों तरफ पांचों तरफ लगाएगा, नीचे भी लगाएगा, एक को छोड़ देगा, जैसे मान लीजिए कि तुम्हारा टंकी है, ऊपर छोड़ देगा, यहाँ भी टाइल लगाएगा, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, और नीचे भी टाइल लगाएगा, ठीक है। तो और सबका माप दिया हुआ आपको कितना, ये ए है 1.5 मीटर दिया हुआ है, 1.5 मीटर, ठीक है। और टाइल का साइज दिया हुआ है, देखो टाइल का आपको साइज इस तरह है, टाइल ऐसा एक प्रकार का टाइल है, ठीक है, तो ए बी सी डी मान ली कि 25 सेंटीमीटर वाला लंबाई 25 है, चौड़ाई 25 है, ठीक है। तो इसमें कितना टाइल लगेगा पता लगाना है, तो पहले तो ये पता लगाना है कि टाइल कहाँ का लगेगा, टाइल जहाँ लगेगा उसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो देखो हमको पांच जगह टाइल लगाना है, पांच सतह में फलक में ऊपर वाला छोड़ देंगे, तो यहाँ पर लिख देंगे क्या, टंकी का क्षेत्रफल, पृष्ठ क्षेत्रफल, और यूज करेंगे यहाँ पर कितना 5 AS पर, क्यों होता है क्या 6 AS पर होता है, एक को छोड़ दिया गया ना, घटा देंगे तो 5 AS पर 5। अब एक काम करो, एक क्या है मीटर में इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो, तो क्या हो जाएगा देखो, वन क्योंकि ये सेंटीमीटर है ना, इसको 100 से गुणा कर देंगे, ये हो जाएगा सेंटीमीटर, ये हटेगा 10 या ये कटा मतलब 150 सेंटीमीटर, मतलब 5 गुना 150 का हो जाएगा, 5 गुना 25 का 15 का हो सकते 225 20 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको गुणा कर दीजिए, 25 2 10 2 12 15 1 10 11 स्क्वायर, ठीक है। तो टंकी का जो क्षेत्रफल आपको इतना हो गया, अब टंकी क्या निकालना, एक टाइल का, एक टाइल का क्षेत्रफल, टाइल क्या है वर्गाकार है, मतलब भुजा का होल स्क्वायर, भुजा 25 का होल स्क्वायर, 625 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब देखेंगे इसीलिए टाइलों की संख्या कितना टाइल होगा, टाइलों की संख्या बराबर जो टंकी का क्षेत्रफल आया कितना, 1 1 2 5 00 सीएम स्क्वायर बटा 625 सीएम स्क्वायर, और सीएम सीएम सर 5 से काटो तो 125 5 से काटिए 5 10 5 से काटेंगे तो ये वाला आएगा, ठीक है। फिर 5 से काटो ये हो जाएगा 25 5 के 20 5 5 25 0 0 5 5 25 5 5 45 0 0 5 से काटेंगे 5 5 5 5 कितना होगा 80 मतलब समझ लगा कि कितना टाइल होगा, 180 टाइल आपको चाहिए, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया हुआ ना, मैं क्योंकि 12 टाइल एक दर्जन बोला, एक दर्जन टाइल का दाम कितना है, 360 रुपये है, तो 12 टाइल का मूल्य 360 रुपया, ठीक है। इसलिए एक टाइल का मूल्य 360 बटा 12 रुपया, इसीलिए आपको कितना टाइल लगाना है, 180 टाइल लगाना है, 360 बटा 12 गुना 180 12 का 12 12 3 36 0 38 54 मतलब 5400 रुपये लगेगा आपको टंकी बनाने में, है ना, टाइल पर इतना खर्चा होगा।